स्पीकर साहब ये वाकया डिस्ट्रिक्ट घोटकी में हुआ, जहाँ पे परसों की बात है, वहाँ पे ये इतना दुखदायक वाकया हुआ है, हमें इतना दुख हुआ है पूरी कम्युनिटी को, न सिर्फ जिले घोटकी को पर पूरी दुनिया में। हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे हुआ ये कि वहां पे एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल है नौतन लाल, और उसी पे ये इल्जाम लगा, एक बच्चे ने लगाया, जिसने बाद में तर्दीद भी कर दी कि भाई ये उस्ताद मुझे बहुत बुरा भला कहते थे क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था, उसी वजह से मैंने उस पर इल्जाम लगाया था। लेकिन फिर भी अगर वो फिर बंदा वहां से गायब हो गया, वहां पे आप देखें पूरे दो दिन हम लोग जिस तरीके से वहां पे रहे, मैं खुद वहां पे मौजूद था, वहां पे जिला घोटकी में, घोटकी मीरपुर मतेलो डेर की उबाड़ो, पूरी पूरी रात वहां पे लोग ग्रुप्स की सूरत में वहां पे आ रहे थे और वहां पे घूम रहे थे और हिरासा कर रहे थे। कल तो ये हालत हो गई थी वहां पे परसों कि वहां पे सुबह को वो लोग आए ट्रूप्स की सूरत में, वहां पे मंदिरों पे हमले किए, वहां पे एक मंदिर सच्चो सतराम दरगाह है वहां पे, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंध में लोग सूफीज्म के बहुत हैं, वहां पे अगर हिंदू और मुस्लिम जाते हैं, जहां शाह भिटाई की दरगाह भी जाते हैं, जहां लाल कलंदर की दरगाह भी जाते हैं, वहां पे अमर शहीद भगत कंवर राम की दरगाह भी वही मुस्लिम हिंदू जाते हैं, तो उसी की दरगाह पे वहां पे जाके हमला किया और वहां पे बच्चों को हिरासा किया, और वहां पे एक हमारी और दरगाह है वहां पे भी गया। लेकिन बात यह है कि वहां पे अगर ये चीजें होती रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत से अनासर हैं, वहां सिंध में इससे पहले एक लड़की अगवा हो गई थी एक दिन पहले, वही डिस्ट्रिक्ट घोटकी से, अभी तक उसका पता नहीं चला। वहां पे डिस्ट्रिक्ट घोटकी की एक लड़की मीरपुर मथेलो की, कल की बात है, वो चांदका मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट थी फाइनल ईयर की, उसका मर्डर हो गया, लेकिन वहां पे वो कह रहे थे सुसाइड थे, अभी वो रिपोर्ट भी आ गई पोस्टमार्टम की कि ये सुसाइड नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए कि हम लोग जाएं कहां। इसी में मैं सिंध गवर्नमेंट का, बिलाल साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, रमेश लाल ने भी बड़ी सपोर्ट की, और यहां पे मैं उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मौलाना राशिद महमूद सुमरो और भी मौलाना हजरत जो जहां पे थे उन्होंने भी सपोर्ट की। तो फिर ये लोग आए किधर से? ये एक पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है कि ये पाकिस्तान में ये चीज हो, जैसे ये दुनिया में जाए कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, क्योंकि हम हमारी तारीख यहाँ की जियोग्राफिकली पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हुए, हमारी हिस्ट्री यहाँ सिंध की तो 5000 साल पुरानी है, और हम यहीं के हैं। तो यहाँ पे अगर माइनॉरिटीज के साथ आप पाकिस्तान के झंडे में भी देखेंगे तो उसी में भी हमारा निशान है, व्हाइट कलर का आता है। फूलों के गुलदस्ते में भी अगर एक ही कलर के फूल होंगे तो अच्छे नहीं लगते, उसमें मुख्तलिफ कलर के फूल होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मिलाटीज के साथ अगर ये रवैया किया जाए तो इसमें अगर सर 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 मुझे एक मिनट बात कर, जी जी, इसी में अगर मुझे ये बताया जाए कि या तो हमें कोई ऐसी जगह दे दें, कोई कोना दे दे भाई आप जाके यहाँ पे पड़े रहे, यहाँ पे रहे, या कोई ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आपकी गवर्नमेंट जहाँ और ऑर्डिनेंस पास कर रही है, या तो ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दे भाई सब आप मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम ये धरती छोड़ के नहीं जाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये हमारी धरती है, ये हमारी माँ है, पाकिस्तान की धरती हमारी माँ है, और हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे जियेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये उन लोगों को आपकी तौसे से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हर वो कर ले, हम पाकिस्तान से कहीं भी जाने वाले नहीं है, हमारी लाश भी यहीं पे दफन होंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप यहां पे कोई कानून साजी करें, यहां पे कोई काम करें ताकि लोगों को पता चले। इसका मैं आपको बताऊं, पहले यहां से इतनी माइग्रेशन होती थी सिंध से, जेकबाद से तो लोग पूरा शहर खाली करके जा रहे थे, तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमें भेजा, हमने वहां को यकीन दिलाया और अगर आप कोई समझते हैं कि कोई कानून साजी होनी चाहिए, हम आपको वेलकम करती है, पूरी पार्लियामेंट आपको वेलकम करती है, जो भी प्रोटेक्शन है इंशाल्लाह पूरी पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। उसी में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे फिर माइग्रेशन रुक गई थी, अब दोबारा लोग कहीं थे तो वहाँ क्यों नहीं होता, बलोचिस्तान में क्यों नहीं होता, वहां दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, एबटाबाद साइड में क्यों नहीं होता, सिर्फ सिंध में घोटकी जिले में क्यों होता है, कंदगोट में क्यों होता है, या थरपारकर में क्यों होता है? तो इसको आप देखें, और यहाँ पे